बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अंबाला प्रशासन ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। जिले में 30 नवंबर की आधी रात तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। एनजीटी की सख्ती और बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब अंबाला में भी पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा के आदेशों के बाद अंबाला में पटाखे पूरी तरह बैन कर दिए गए। ऐसे में अब अंबाला पुलिस भी उपायुक्त के आदेशों का सख्ती से पालन करवाने में जुट गई है। पटाखे बैन होने के बाद पुलिस ने बाजारों में पटाखे बेच रहे दुकानदारों को पटाखे न बेचने को लेकर चेतावनी दी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो फिलहाल पटाखे बेच रहे लोगों को सिर्फ चेतावनी दी गई है, लेकिन अगर फिर भी ये लोग ना माने तो कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी साहब के आदेश हैं, वो कल शाम को हमारे पास आ चुके हैं कि पटाखे पूर्णतः रूप से जिला अंबाला में बंद रहेंगे। पटाखों की सेल और उनके आगे यूज पे बैन है। तो हमारी संयुक्त टीम, हमारी भी, पुलिस की भी और प्रशासन से भी, हम इसके संबंध में चेक करेंगे। जहां भी कोई ऐसा लगा मिला उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के इन आदेशों से अब पटाखे बेचने वाले दुकानदारों में भी रोष है। दुकानदारों का आरोप है कि पहले खुद प्रशासन ने पटाखे के स्टॉल लगाने को लेकर आवेदन आमंत्रित किए थे और ड्रॉ निकाला था। ऐसे में पटाखा विक्रेता सरकार से पाबंदी हटाने की मांग कर रहे हैं। हम 30-40 साल से ये काम कर रहे हैं, उसके बाद 9/3 को इन्होंने ड्रॉ वगैरह निकाला। इन्होंने कहा लाइसेंस मिलेंगे, पैसे भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। अब कहते हैं जी नहीं मिलेंगे। ये यानी कि कोई अच्छी बात नहीं है। हमने माल भी खरीद लिया है इन पटाखों का, ठीक है जी, और उसके बाद कहते हैं जी यमुनानगर और पंचकूला में छूट दे दी गई है। क्या यमुनानगर और पंचकूला अंबाला में कितनी दूर है जी? बता दें, इससे पहले भी हरियाणा के कई जिलों में पटाखों पर बैन लगाया गया है, जिसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करना है। वहीं अब देखना ये भी होगा कि क्या प्रशासन पटाखा विक्रेताओं की मांगों को लेकर कोई कदम उठाता है।